6 people we are told who have been injured during stone pelting that was reported during a Garba festival held during Navratri celebrations in Gujarat's Kheda. The incident took place on Monday night during the Navratri celebrations in the Undhela village. And as soon as the news of the incident was received, what is being said, the police team that was deployed in multiple areas to actually calm the situation, where multiple cars also, we are told, have been damaged in the incident of stone pelting being reported. So the police officials have now detained 6 people in the case of stone pelting. In a big update that's coming in, 6 people have been detained in the case. As per the police officials, the head of the village had organized a Garba event at the center of the village, which led to arguments between the two communities. The group then resorted to stone pelting, in which 6 people were also injured. So that's the update coming in as far as people who have been taken into custody in view of the stone pelting reported in Gujarat's Kheda. आ लोगों ने उसको जान हुई कि वो हिंदू ऐसा करेंगे, तो उसने फुल तैयारी करी. अभी मैंने मामलेदार में पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन मांगा था, वो मांग लिया था, वो कुछ कर सके नहीं. आ लोगों उस पर ताटके पड़े और साधन उसने 3 दिन से प्रोग्राम कर रचेला था कि हिंदू को मानने पड़ेगा, नहीं तो वो उंडेला में बाजार वो हो जा गया. वो पत्थर मारा करा और लकड़िया से तोड़ डाला, गाड़ी को नुकसान कराए, मंदिर पर कराए थोड़ा. उसमें 6 लोगों के नाम मिले हैं जिसको छोटी मोटी इंजरी हुई है. फिर भी अगर कोई और कोई बाहर कोई हॉस्पिटल में गया है तो उसके भी डिटेल हम ले लेंगे. अभी जो गांव के लोग हैं उनकी भी हम पूछताछ कर रहे हैं, जो लोग ये सेलिब्रेशन में हाजिर थे, ताकि उनका जो आरोपी है और जो इंजर्ड लोग हैं उनके परफेक्ट माहिती मिल सके. जो इंसिडेंट बना है वहाँ उनके जो 2 मेन आरिफ और जाहिर करके है, वो लोग पूरा टोला लेके आए थे. और जो उसके पीछे जो जगह है वहाँ से इन लोगों ने थोड़े दूर जाके पथराव किया था. Amit Rajput joining us over the phone line with more details on this. Amit, we're told 6 people have been detained for the stone pelting on the Navratri festivities. What are their details? घृणास्पद और प्री प्लांड घटना है, और इस घटना के पीछे ये सोची समझी साजिश थी जो वो काम कर रही थी. जैसा कि सरपंच ने बताया अपने स्टेटमेंट के अंदर कि जब ये गरबा का आयोजन उनकी तरफ से किया जा रहा था, उनकी मान्यता पूरी हो गई थी, और उसी दौरान ये सिस्टम होता है, जब गरबा का आयोजन होता है तो लाइटें लगती हैं, तैयारियां की जाती हैं, माँ जगत जननी का फोटो रखा जाता है. और उसी समय जब ये तैयारियां हो रही थी तो ये जो दूसरा समुदाय है उसके कुछ जो लोग हैं जिनका नाम FIR में दर्ज किया गया है, उनकी तरफ से एक प्लान बनाया गया कि यहाँ पे गरबा इस गांव में नहीं होने देंगे, और वैसे भी उस गांव में गरबा शायद ही कभी होता है. और उसी चीज को अपना एक तरह से दबाव बना के रखने के लिए, एक तरह से कि इस गाँव में गरबा कभी नहीं हो सकता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो कुछ समुदाय के जो लोग हैं विशिष्ट लोग, उनकी तरफ से जैसे ही गरबा का आयोजन हुआ देर रात 25 से के 30 लोग जो थे वो बड़ी संख्या में गरबा स्थल पर पहुंचते हैं, पथराव करते हैं. और पथराव के अंदर ये भी उनकी तरफ से देखा नहीं जाता है कि महिलाएं जो हैं वो मां शक्ति की उपासना कर रही हैं, बच्चे थे वो साथ में थे, कुछ पुरुष भी थे, और अचानक उनके द्वारा पथराव जो है वो शुरू कर दिया जाता है. ये पथराव इतना अचानक शुरू किया जाता है कि जो लोग निर्दोष लोग वहां पर गरबा कर रहे थे उन्हें इसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और अचानक से हुई घटना को लेकर वहां अफरा तफरी हुई. उसके बाद ये लोग यहां तक नहीं रुके, उन लोगों ने वहां पर कुछ जो आसपास में घर मौजूद थे उन पे पथराव किया, लाठी डंडे बरसाए, गाड़ियां जो मौजूद थी गाड़ियों के ऊपर भी उन्होंने हमला किया, गाड़ियों के कांच तोड़े गए. तो ये सारी चीजें हुई, और जब चीजें समाप्त हो जाती हैं, जब लोग घायल हो जाते हैं, उसके बाद में स्थानीय पुलिस जो है वो वहां पर पहुंचती है. स्थानीय पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन जिला SP जो है राजेश गढ़िया, उन्हें पता है कि खेड़ा जिला जो है वो बहुत सेंसिटिव इलाका है, और खेड़ा जिला के बहुत सारे ऐसी तहसील हैं, और जिसमें ये मातर तहसील का जो गांव है ये भी इलाका जो है वो सेंसिटिव है. तो पहले से वहां पर प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कराया गया. स्थानीय जो वहां पे जो बीट के जो चौकी के सब इंस्पेक्टर होते हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे.
क्यों इस तरह की सुरक्षा नहीं मौजूद कराई गई? और सवाल ये खड़ा होता है कि गरबे के आयोजन को लेके अगर इस तरह का वर्ताव कुछ लोगों की तरफ से किया जाएगा तो उनके सामने भी सवाल खड़े होते हैं, पुलिस प्रशासन के सामने भी सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, 6 लोगों की शिनाख्त करके उन्हें हिरासत में लिया है। FIR जो है वो दर्ज की गई और FIR में बताया गया है कि 25 लोग जो हैं वो इस मामले में उनका झुंड था, मोक था। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस इस जांच में क्या सामने लाती है, क्योंकि ये घटना बहुत घृणास्पद घटना है और साथ ही साथ इस तरह के आयोजन न हो उसके लिए भी भूतकाल में देखा गया है इसी जिले के अंदर कि पीछे से कुछ लोग हैं उसे ऑपरेट करते हैं और डर और भय का माहौल बनाए रखने की बातें जो हैं उनकी तरफ से की जाती थी, ऐसी बातें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब पुलिस क्या जांच करती है और इस घटना का मास्टरमाइंड कौन था, क्या कोई पीछे से कोई गिरोह या कोई संगठन इसमें मौजूद था, जुड़ा हुआ था कि खेड़ा जिले के अंदर इस गांव के अंदर गरबा नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से कोई सूचना दी गई थी, क्या उनके जुड़े हुए दूसरे कोई आका हैं, तो ये सब चीजों के ऊपर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। रेंज IG जो है वो अभी इस गाँव में पहुंचे हैं, अभी जानकारी मिली है कि रेंज IG वहां पर पहुंचे हैं, जांच की जा रही है और जो जो लोग इसमें मौजूद हैं सबूत जुटाए जा रहे हैं, गवाह जुटाए जा रहे हैं और उनके सामने कठोर कार्यवाही करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू की गई हैं। फिलहाल देर रात का मामला है तो देखना ये होगा कि गुजरात सरकार की तरफ से और विशेष तौर से गुजरात सरकार के जो घायल हुए 6 लोग बताया जा रहा है कि हिरासत में भी लेके गए हैं और ये खेड़ा की बात आ रही है सामने इन द स्टेट ऑफ गुजरात वेयर सच काइंड ऑफ क्लैशेस एंड स्टोन पेल्टिंग दैट हैज बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग गरबा फेस्टिविटीज। अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स क्विकली मूव on now to the other